नमस्कार, मैं सर डॉक्टर सूरज जागर, असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेटनरी साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन इंस्टीट्यूट। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट सीजनल मैनेजमेंट ऑफ हनी बी कॉलोनीज। देन फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ बी मैनेजमेंट। ऑल द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज नीडेड फॉर इंक्रीज हनी प्रोडक्शन रिवॉल्व अराउंड द फॉलोइंग बेसिक प्रिंसिपल्स टू बी मैनेजमेंट। फर्स्ट इज इंश्योर बिल्ड अप फॉर फॉरेजिंग फोर्स ऑफ बी एट राइट टू द कलेक्शन ऑफ सरप्लस नेक्टर। सेकेंड इज प्रोवाइडिंग स्पेस फॉर स्टोरेज एंड रिपेनिंग ऑफ नेक्टर इन टू द बी हनी बाय द बीज। थर्ड इज रिमूविंग हनी फ्रॉम हाइव एट द राइट टाइम एंड प्रिपेयरिंग द कॉलोनी टू विथ स्टैंड एनी पीरियड ऑफ डेथ एंड मैनेज टू बी एनिमीज। जनरली बी कीपिंग एक्टिविटीज स्टार्ट विद द ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग इन कोल्ड एरियाज। देयरफॉर इट इज अप्रोक्सीमेट टू नो द मैनेजमेंट प्रैक्टिस स्टार्टिंग फ्रॉम स्प्रिंग। हाउएवर इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री देर आर डिफरेंट सीजन एंड द मैनेजमेंट वेरियस एज पर सीजन। जो इसका सीजनल मैनेजमेंट कहते हैं उसमें मोस्टली कहते हैं स्प्रिंग समर एंड विंटर सीजन मैनेजमेंट। देन फर्स्ट आता है इसमें स्प्रिंग मैनेजमेंट। स्प्रिंग मैनेजमेंट मोस्टली जनवरी टू अप्रैल। द एडवेंट ऑफ स्प्रिंग पर्टिकुलरली नॉर्थन पार्ट्स ऑफ द पार्ट ऑफ कंट्री जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ अपनी स्प्रिंग मैनेजमेंट करते हैं। मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ वार्म वेदर एंड ब्लूमिंग ऑफ सेवरल ट्रीज स्पीसीज एंड कल्टिवेटेड क्रॉप्स। फॉलोइंग मैनेजमेंट प्रैक्टिस आर परफॉर्म। क्या क्या मैनेजमेंट प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट इज रिमूव द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ लाइटली पैक्ड हाइव इन द अर्ली स्प्रिंग बट इन द हेविली पैक्ड कॉलोनीज द पैकेजिंग इज रिमूवल ओनली वेन डेली मैक्सिमम टेम्परेचर हैज रिचेड 16 डिग्री सेंटीग्रेड। द एग्जामिन द कॉलोनीज ऑन ए सनी डेज, चेक द फूड स्टोर एंड जनरल कंडीशन ऑफ द कॉलोनी। द एग्जामिनेशन शुड बी फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, अवॉइड ब्रूड चिलिंग एंड रोबिंग। इट इज ए गुड प्रैक्टिस टू इक्वलाइज द स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्मल कॉलोनीज इन एन एपियरी बाई गिवन ब्रूड फ्रेम्स टू द नीडी कॉलोनीज। देन द कॉलोनीज विच डू नॉट हैव ब्रूड आर लाइकली टू बी क्यून लॉस लेस और इफ क्यून आर फेल एंड हैज बिकम ड्रोन लेयर दे विल बी प्री डोमिनेंस ऑफ ड्रोन ब्रूड। सच कॉलोनीज इफ आर वीक लेस देन 5 फ्रेम बी अनटाइड द नीडी नॉर्मल कॉलोनीज इन दीज आर स्ट्रॉन्ग देन प्रोवाइड मेटेड ट्यून एंड इफ नॉट अवेलेबल गिव ए फ्रेम ऑफ ब्रूड विद द यंग लार्वी ऑफ रेयरिंग न्यू ट्यून। अगर वीक है तो उसे नई ट्यून प्रोवाइड करवाते हैं फ्रेम में। अगर नई ट्यून अवेलेबल नहीं है तो एक फ्रेम उसमें एक्स्ट्रा लगाते हैं जो यंग लार्वी का हो। देन गिव स्टिमुलेटिंग फीडिंग ऑफ शुगर सिरप, शुगर सिरप देते हैं उनको। टेक ऑल द स्टेप टू द गार्ड अगेंस्ट द रोबिंग बाई बीज। बीज विल पुट देयर वॉल पॉट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ब्रूड रेयरिंग। देन प्रोवाइड राइज्ड कॉम्ब ऑफ फ्रेम्स विथ कॉम्ब फाउंडेशन सीड्स इफ राइज्ड कॉम्ब आर नॉट अवेलेबल। अगर राइज्ड कॉम्ब अवेलेबल नहीं है सो डेट देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ स्पेस ऑफ ब्रूड रेयरिंग। बट बी केयरफुल नॉट टू ओवर एक्सपेंड द ब्रूड इन द अनसर्टेन वेदर कंडीशन ऑफ अर्ली स्प्रिंग विच मे रिजल्ट इन चिलिंग ऑफ ब्रूड। वंस द कॉलोनी इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू कवर द ब्रूड देयर इज नो रिस्क ऑफ दिस प्रॉब्लम। एग्जामिन द कॉलोनीज एट लीस्ट वन ए वीक ऑफ ए सनी डेज एंड वेन कंडीशन परमिट टू द डेब्रीज फ्रॉम द बॉटम बोर्ड एंड प्रोवाइड एम्प्टी फ्रेम
इम्पोर्टिव फ्रेम लगाना चाहिए एज पर नीड फॉर द कॉलोनीज इंश्योर डेट ईच कॉलोनी अब ऑलवेज हैज ए लिस्ट ऑफ ए फूड स्टोर्स. देन डूरिंग स्प्रिंग ओल्ड बीज डाइज विच आर नॉर्मली रिप्लेस बाई यंग बीज. अगर पुरानी बीज मर गई है तो उसकी जगह यंग बीज रिप्लेस करनी चाहिए. इफ मोर्टेलिटी ऑफ ओल्ड बीज एक्सटेंड टू द रेट ऑफ इमरजेंस ऑफ यंग बीज द कॉलोनी इज स्लो साइन ऑफ डेवलिंग विच द नोन एज स्प्रिंग डिविलिंग. सच कॉलोनी शुड बी प्रोवाइड बाई एडेक्यूट स्टोर ऑफ पोलन एंड हनी एंड बी गिवन वन टू टू शील्ड ब्रूड फ्रेम फ्रॉम द स्टोन कॉलोनीज. देन स्वार्मिंग एंड कंट्रोल. वाट इज स्वार्मिंग? स्वार्मिंग इज ए नेचुरल स्वार्मिंग इज ए नेचुरल इंस्टिंग ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कॉलोनीज. डिविजन ऑफ कॉलोनी टेक प्लेस विच वर्कर बीज 30 to 70% फिल देर हनी स्टोमेच विद द फूड एंड लीव द कॉलोनी अलोंग विद द ओल्ड क्वीन एंड डेट डिवाइडेड कॉल्ड एज स्वार्म सेटल डाउन टेम्पररी जनरली इन द नियर बाई एरिया ऑफ द कॉलोनी ऑन द बुशेज हैज ट्री ब्रांचेज एक्सेट्रा. देन पीरियड ऑफ स्वार्मिंग इट अकर्स वेन क्वीन हैज रिचेड हर पीक ऑफ ब्रूड रेयरिंग एक्टिविटी अंडर द स्टिमुलेशन इन ऑफ इनकमिंग पोलन एंड नेक्टर मेनली इन लेट स्प्रिंग ऑफ अर्ली समर. देन व्हाट द काज ऑफ स्वार्मिंग? स्वार्मिंग की क्या कारण है? ओवर क्राउडिंग एंड लैक ऑफ वेंटिलेशन. अगर ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई या वेंटिलेशन में कमी हो गई. प्रेजेंस ऑफ ओल्ड क्वीन सडन हनी फ्लो लैक ऑफ स्पेस ऑफ एग लेइंग एंड हनी स्टोरेज. देन प्रॉब्लम ड्यू टू स्वार्मिंग लॉस ऑफ वर्किंग फोर्स ड्यू टू डिविजन ऑफ कॉलोनी द मोरल ऑफ कॉलोनी इज नॉट फेवरेबल फॉर हनी कलेक्शन द बीज डायरेक्ट दे एफर्ट टुवर्ड बिल्डिंग क्वीन सेल्स एंड सर्चिंग ऑफ ए न्यू होस्ट साइट्स. कॉलोनीज स्लो ग्रेट वेरिएशन इन रेस्पेक्ट ऑफ स्वार्मिंग. सम कॉलोनीज डू नॉट स्वार्म इवन आफ्टर बिकमिंग क्यूट पॉपुलेशन येट मैनी स्वार्म विदाउट एनी अपेरेंट रीजन इंडिकेट जेनेटिक वेरिएशन टू द इंसिडेंट ऑफ स्वार्मिंग. एपिस सेरेना इज मोर प्रोन टू स्वार्मिंग देन एपिस मेलिफेरा. एपिस सेरेना मेलिफेरा की तुलना में ज़्यादा स्वार्मिंग करती है. द इंडिकेशन ऑफ स्वार्मिंग क्या इंडिकेट करती है स्वार्मिंग के टाइम? द कॉलोनी स्टार राइज्ड ए लार्ज नंबर ऑफ क्वीन सेल्स यूजुअली अलोंग द लोअर एज ऑफ कॉम्ब्स. हाउवर फ्यू एमरजेंसी क्वीन सेल्स आर आल्सो राइज्ड इन द इवेंट ऑफ क्वीन फेलर. क्या बोलते हैं उसको? सुपर शेड्यूल. मैनी बीज डू नॉट गो टू फील्ड क्रिएटिंग एडिशनल क्राउडिंग रिजल्टिंग इन क्लस्टरिंग टू बी आउटसाइड द हाइव. देन टाइम ऑफ स्वार्मिंग. स्वार्मिंग का क्या टाइम होता है? टाइम टू इशू स्वार्म बाय द कॉलोनी इज फ्रॉम 10 AM टू 2 PM और ऑन सनी डेज. इफ वेदर इज नॉट फेवरेबल स्वार्म मे बी इशू इवन अर्लियर इन द मॉर्निंग और लेट इन द इवनिंग. देन कैचिंग एंड हाइविंग ए स्वार्म. ए सेटल डाउन स्वार्म कैन बी इजिली टू काच यूजिंग स्वार्म कैचिंग बास्केट. दिस बास्केट इज प्लेस्ड अबाउ बीज डस्टर एंड द क्लस्टर इज जनरली पुश्ड अपवर्ड सो डेट द बीज स्टार्ट असेंबली इन टू द बास्केट. वंस द क्यून हैज एंटर्ड द होल स्वार्म विल फॉलो द क्यून. द स्वार्म इन द बास्केट कैन बी टेकन ऑफ द एपियरी ऑफ फॉर हाईवे. देन हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल स्वार्मिंग. स्वार्मिंग को कैसे कंट्रोल करते हैं? डिपेंडिंग ऑन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर वन कॉलोनी में इशू वन टू सेवरल स्वार्म रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द पेरेंट कॉलोनी द प्रिवेंट स्वार्मिंग डू एज गिवन बिलो. फर्स्ट इज अवॉइड ओवर क्राउडिंग बाई एडिंग इम्पर्टी कॉम्ब फॉर एग लेइंग. शील्ड ब्रूड कैन बी शिफ्टेड फॉर
सेकंड हाई बॉडी, रिमूव द क्वीन सेल्स एट रेगुलर इंटरवल एज सून एज देर आर मेड। डिले इन क्वीन सेल्स रिमूवल इज नॉट मच इफेक्टिव। प्रोवाइड शेड एंड वेंटिलेशन टू द कॉलोनीज। स्वार्मिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाई रिमूविंग ओल्ड क्वीन विच अदरवाइज प्रोवाइड ए सुपर शेड्यूल इन प्लस। देन अदर इम्पोर्टेंट इज एग्जामिन द ब्रूड ऑफ द कॉलोनी एंड रिमूव ऑल द क्यून सेल्स। रिमूव द ब्रूड चैम्बर फ्रॉम द बॉटम बोर्ड। प्लेस अनदर हाइव बॉडी कंटेनिंग वन कॉम्ब ऑफ अनसील्ड ब्रूड एग्स एंड क्यून नॉट बी बॉटम ब्रूड। फिल इन द रिमेनिंग विद द एम्प्टी कॉम्ब। प्लेस क्यून एग्जीक्यूटर ऑन द हाइव बॉडी एंड द केप ऑफ द रिमूवल ब्रूड चैम्बर अलॉन्ग विद द रिमेनिंग ब्रूड एंड बी ओवर इट। देन नेक्स्ट इज सीजनल मैनेजमेंट ऑफ हनी बीज अंडर समर मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिकेशन ऑफ हनी फ्लो मेथड ऑफ सुपेरिंग हनी एक्सट्रैक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ दैट पीरियड हैज बीन प्रोवाइडेड। व्हाट इज हनी फ्लो? इट इज ए पीरियड वेन हनी बीज गैदर एंड स्टोर सरप्लस हनी इन द हाइव आफ्टर अटैकिंग पीक पॉपुलेशन इन द कॉलोनी। हनी फ्लो इज इंडिकेटेड बाई हनी फ्लो में क्या इंडिकेट करती है? वाइटनिंग ऑफ हनी सेल्स ऑफ द कॉम्ब ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फ्रेश वैक्स। अपीयरेंस ऑफ लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ बर एंड ब्रेश कॉम्ब। इंक्रीज इन वेट ऑफ द कॉलोनीज ड्यू टू द इनकमिंग नेक्टर। ए कॉलोनी केप्ट ऑन द स्टेज बैलेंस इन द एपियरी इंडिकेट्स द सडन इंक्रीज इन वेट एंड सच ए कॉलोनी इन इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस कॉलोनीज। देन सुपरिंग क्या होता है? विद द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ हनी फ्लो प्रोवाइडेड सुपर्स टू द कॉलोनी बट बिफोर सुपर्स एग्जामिन द कॉलोनीज ऑफ डिजीजेज। चेक वेदर क्वीन इज प्रेजेंट एंड नॉट वेदर लेइंग इज सेटिस्फैक्ट्री एंड नॉट। आफ्टर द हनी फ्लो स्टार्टेड द बी कीपर बिकम टू बिजी इन पुटिंग एंड टेकिंग ऑफ द सुपर्स। देन प्लेस क्वीन एग्जीक्यूटिव बिटवीन ब्रूड चैम्बर एंड सुपर सो एज द प्रिवेंट लेइंग इन द सुपर बाय द क्वीन। देन कीप स्वार्मिंग अंडर चेक द अवॉइडिंग कंसेस्टिंग इन द ब्रूड चैम्बर। प्रोवाइड इम्प्टी कॉम्ब एट द टाइम अंटिल एंड ऑफ द हनी फ्लो। द स्पेस कैन बी प्रोवाइडेड बाई रिमूविंग सील्ड ब्रूड टू द सुपर चैम्बर। देन ए स्ट्रॉन्ग कॉलोनी कैन कलेक्ट 4.5 to 10 के जी ऑफ अनरिप हनी इन ए सिंगल डे ड्यूरिंग गुड हनी फ्लो। अगर गुड हनी फ्लो है तो 4.5 से 10 के जी तक अपन अनरिप हनी प्रोडक्ट कर सकते हैं। देन हनी एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं? फॉर हनी एक्सट्रैक्शन ओनली शील्ड हनी फ्रेम आर रिमूव्ड। डू नॉट एक्सट्रैक्ट अनकैप्ड हनी सिंस इट इज़ द अनरिप एंड ड्यू टू द हायर मॉइस्चर कंटेंट इन इट इज लायबल टू परमेंट। देन टाइम ऑफ रिमूवल रिमूव सुपर्स अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर बी स्टार्ट स्टोरिंग अनरिप हनी इन द कॉम्ब। सुबह निकालना चाहिए जब मधुमक्खियाँ स्टार्ट नहीं हो उससे पहले। इफ कॉम्ब आर वेल सील्ड दीज आर कैन बी रिमूव एट द टाइम ऑफ द डे। देन टाइम ऑफ रिमूव सर्पर्स एंड रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? स्मोकर बी वेल हाइव टूल बी ब्रूस इम्पटी सुपर बॉडीज अनकैप्ड नाइफ बॉइलिंग वाटर डीप ड्राइज हनी एक्सट्रेजर हनी स्टोरेज कंटेनर एंड मुजली क्लोथ। देन प्रोसीजर ऑफ हनी एक्सट्रेशन टू रिमूव सील्ड हनी कॉम्ब गिव
few fruits of smoke to the colony and the brood of bees from the honeycomb using soft bee brood or bunch of the soft green grass. Place the honeycomb in bee tight hive bodies and the shift to colony extraction room. क्या क्या ध्यान रखना चाहिए इसमें. हनी एक्सटेंशन रूम शुड बी टाइट आफ्टर बिगिनिंग द हनी फ्रेम. द एक्सटेंशन दिस कैन बी अनकेप्ड आइदर विद अ स्टर्न हीटेड डबल वाल्ड अनकेपिंग नाइफ और विद ऑर्डिनरी अनकेपिंग नाइफ बाय हीटिंग इन बॉइलिंग वाटर. कीप दिस अनकेपिंग फ्रेम इन हाइव बॉडीज विद ड्रिप ड्राइज बिलो टिल एक्सटेंशन. Clean the appearance and the place where honey is extraction. Bee wax collecting during uncapping of honey frame. Be allowed to drain off its honey. Then purify this bee wax by putting in muslin bag and boiling in the water bath. Then perfusion during honey extraction. Remove only complete sealed or two-third sealed comb of honey extraction for extraction. Never extract unripe honey. Only जो complete sealed honey है उनको निकालना चाहिए या two-third जो हो गया उनको निकालना चाहिए. Keep sufficient food store with the colony as per strength and prevent that greed. Do not rob colonies for the whole storage. Then outcome management. मानसून या ऑटम मैनेजमेंट. मानसून इट इज़ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द कंट्री. जून टू सितंबर रिप्रेजेंट द मानसून और वेट सीजन. बीच फेस सेवरल प्रॉब्लम ऑफ पेस्ट प्रीडेटर डिजीजेज एंड ह्यूमिडिटी स्टार्विंग. समटाइम ड्यू टू द कंटिन्यूस रेन बीज आर कन्फाइंड टू द देयर हाइव फॉर ए लॉन्ग पीरियड. हनी बीज बिकम एथलिक एंड मे बी डेवलप डायनेस्टिक. The colony need following management to keep them strong. मानसून में मैनेजमेंट ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अगर लंबी बरसात होती है तो मधुमक्खी बाहर नहीं निकल सकती और इस टाइम पेस्ट प्रेडेटर डिजीज़ की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है. तो फर्स्ट इज वी कॉलोनीज विच एर बिकम क्यूनलेस शुड बी अनटाइड विद द क्यून राइट कॉलोनीज सिंस ड्यूरिंग दिस पीरियड ड्यू टू एबसेंस ऑफ ड्रोन न्यू वर्जन क्यून कैन नॉट मेट. देन अवॉइड ब्रूड लेसनेस इन कॉलोनीज इफ पोलन स्टोर एंड फ्रेश पोलन इज नॉट अवेलेबल फीड द कॉलोनी आइदर पोलन सब्सिस्टेंस और पोलन सप्लीमेंट्स. अगर पोलन नहीं है तो पोलन सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करवाना चाहिए. इफ कॉलोनीज हैव प्योर फूड स्टोर अगर कम फूड स्टोर है तो प्रोवाइड शुगर इन द फॉर्म ऑफ कैंडी और ड्राई शुगर इंस्टेड फॉर द शुगर सिरप. कीप इन चेक द अटैक ऑफ एनिमीज लाइक वैक्स मॉथ एंड्स माइट्स एंड बास. द हाइव आर केप्ट ऑन द स्टैंड स्लोपिंग डाउन टुवार्ड्स एंट्रेंस इन द बॉर्डर टू ड्रेन आउट वाटर एंड प्रिवेंट इन द एक्युमुलेशन ऑफ द साइड. देन फॉर सक्सेसफुल और विंटरिंग विद द नॉन प्रोडक्टिव सीजन फॉलोइंग मैनेजमेंट शुड बी डन. देन फर्स्ट इज इंश्योर डेट द कॉलोनी एज वर्जन एंड द प्रोडक्टिव क्यून एंड आइडियल क्यून इन वन बहुत एग लेंग रेट ऑफ द हाई एंड कंटिन्यू टू ले वेल टिल लेट फॉर दस प्रोवाइडेड पॉपुलेशन ऑफ प्रीडोमिनेंट यंग लार्वी यंग बीज इन द सफिशियंट नंबर ऑफ विंटरिंग. देन कॉलोनीज बिलो एवरेज पॉपुलेशन ऑफ हैविंग स्कैटर्स और लेस ब्रूड देन द एवरेज कॉलोनीज इंडिकेट फेलियर ऑफ क्यून्स. रिप्लेस क्यून्स ऑफ सच कॉलोनीज बाय अर्ली फॉल सो डेट दीज कॉलोनीज प्रोड्यूस डिजायरेबल नंबर ऑफ यंग बीज. देन कॉलोनीज ऑफ विंटरिंग शुड बी फ्रॉम डिजीजेज. देन परक्यूशन शुगर शुड बी फीड वाइल द आउटसाइड टेम्परेचर इज सफिशियंट टू
और बीज टू टेक द सिरप एंड द कॉम्ब रिड्यूसिंग इट्स मॉइस्चर। देन सीजन मैनेजमेंट ऑफ विंटर मैनेजमेंट आफ्टर प्रिपेयरिंग द कॉलोनीज इन द फॉल ऑफ विंटरिंग प्रोटेक्शन शुड बी प्रोवाइडेड टू द कॉलोनीज फ्रॉम विंटर बाई रिड्यूसिंग द हाई विंटरेंस फ्लगिंग ऑल क्रैक्स एंड करवियस इन द हाइव प्रोटेक्टिंग द कॉलोनीज फ्रॉम डायरेक्ट चिली विंड्स स्टोरेज एंड प्रोटेक्शन ऑफ कॉम्ब्स विंटरिंग एंड देन विंटरिंग एवरी कॉलोनी मस्ट हैव ए यंग वीगर्स प्रोफाइलिंग प्योर ऑफ द सुपीरियर जेनेटिक स्टॉक एंड यंग वर्कर बीज एवरी कॉलोनी मस्ट बी प्रॉपरली प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन थ्रू रिड्यूसिंग एंट्रेंस एंड प्रॉपर पैकिंग एवरी कॉलोनी मस्ट हैव एडिक्यूट रिजर्व ऑफ हनी एंड पोलन एवरी कॉलोनी मस्ट बी मेंटेनेंस इन द डिजीज फ्री कंडीशन द विंटर पैकिंग ऑफ हाइव देन गुड कॉलोनीज विद द यंग बीज इज लार्ज नंबर एंड इनफ फूड स्टोर शुड बी पैक्ड फॉर पैकिंग कॉलोनीज एक्स्ट्रा सॉडस्ट वुड सेविंग बी इंस्टॉल विद ड्राई लीव्स एंड द पैकेजिंग मटेरियल शुड बी ड्राई साइंस मॉइस्चर विल मेक इन प्योर इंसुलेंस देन माइग्रेटरी बी कीपिंग प्रिपरेशन ऑफ कॉलोनी माइग्रेशन प्रोवाइड प्रॉपर वेंटिलेशन बाई यूजिंग एंट्रेंस स्क्रीन एंड इवन टॉप स्क्रीन इन द प्लेस एंड इन कवर ड्यूरिंग हॉट वेदर क्लोज ऑल क्रैक्स और ओपनिंग इन द हाइव नेल ऑल द मूवेबल पार्ट्स ऑफ द हाइव प्रॉपरली टू द डायगोनल माइग्रेटरी बेड्स द माइग्रेशन साइकिल इफ द बी कीपर ऑफ हिली एरिया इन नॉर्थन इंडिया वॉन्ट टू एक्सप्लोर इन द कॉलोनीज इन द मैक्सिमम एक्सटेंट ही मे बी फॉलोइंग साइकिल माइग्रेट कॉलोनी टू द प्लांट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर फॉर अवेलिंग तोरिया सरसों एक्सेट्रा बर्सिम एंड सनफ्लावर टिल लास्ट वीक ऑफ जून देन इन केस ऑफ बी कीपर इंटरेस्टेड टू अवेलेबल लीची फ्लो बी मे माइग्रेट द कॉलोनी ड्यूरिंग द एंड मार्च टिल थर्ड वीक ऑफ अप्रैल देहरादून एंड उत्तराखंड आफ्टर अवेलेबल द बरेसिका दिस इज मेजर इम्पोर्टेंट टॉपिक इज सीजनल मैनेजमेंट ऑफ हनी बीज थैंक यू।